कोई बता दीजिए, सारे इंडस्ट्री, सारे ट्रेडर्स, सारे कंज्यूमर सब ये चाहते थे इस देश के अंदर जीएसटी आ जाएगी। एक प्रधानमंत्री ने हिम्मत की कि भाई हम इसको जीएसटी को लेकर आएंगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर आएंगे, वो ले आए। सारी पार्टियां उस पर एग्री कर रही थी, सारी एग्री कर रही थी, पर जब उसके कुछ फॉलोआउट्स आने शुरू हुए, लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हुई, तो माहौल ऐसा बनाया जैसे जाने लगा जैसे कोई एक आदमी ने इसके बारे में निर्णय कर लिया, जबकि निर्णय पूरी संसद के अंदर हुआ था। और आज मैं एक व्यापारी के साथ बैठा था, उसने कहा गोयल साहब, लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जीएसटी के कितने फायदे ऑलरेडी हो चुके हैं, और 2019 तक जब तक आप लोकसभा चुनाव आएगा ना, तब तक जीएसटी इस तरह से एस्टेब्लिश होगा कि लोग दोबारा प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर चुनकर लाएंगे, किसी को नहीं लेकर आएंगे। तो इसलिए आलोचना करनी बहुत आसान होती है, उसके सॉल्यूशन ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं। जिस समय नोटबंदी हुई, पहले के 3 दिन तो सब लोगों ने सपोर्ट किया उसको, सब पार्टियों ने सपोर्ट किया, बड़ा अच्छा है, ब्लैक मनी को निकालने के लिए ये नोटबंदी का किया गया है। पर 3-4 दिन बाद बैंकों के ऊपर लंबी लंबी लाइनें लग गई, तो अपोजिशन की बांछे खिल गई एकदम कि देखिए अब दुनिया लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये सारे लोग दुखी होंगे, दुखी होंगे तो सरकार को गाली देंगे। तो जब लंबी लंबी लाइनें लग गई, तो मैं मुरादाबाद जा रहा था, मुरादाबाद जाते जाते रास्ते में मिनट पड़ा, मेरे साथ जो व्यक्ति बैठा था कहने लगा, गोयल साहब मोदी जी की बहुत आलोचना हो रही है कि इस नोटबंदी के कारण क्रिटिसाइज हो रहे हैं, जाकर सरकार को लोग गालियां निकाल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, सरकार की इंटेंशन ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की इंटेंशन ठीक है, लागू किया है तो बिल्कुल ठीक हो गए। कहने लगे नहीं, मैं बता रहा हूँ, तो बैंकों की लाइनें लंबी लग गई थी, हिम्मत करके मैं एक लाइन में उतर गया। मैंने उससे पूछा भाई क्या हाल है, कहने लगे जी 2 घंटे से लाइन में खड़ा हूँ, अब तक नोट नहीं बदले गए। दूसरे से पूछा तेरा क्या हाल है, कहते मैं तो कल भी आया था, आज भी आया हूँ, तो भी मेरे नोट नहीं बदले जा रहे। तो मैंने तीसरे से पूछा तुम्हारा क्या हाल है, कहते जी मैं भी आधे घंटे से लाइन के अंदर लगा हूँ, मेरे नोट नहीं बदले जा रहे। तो मैंने कहा मोदी जी ने गलत किया ना, कह नहीं मोदी जी ने किया बिल्कुल ठीक है जाके। तो ये जो स्प्रिट है ना, ये स्प्रिट देखने को नहीं मिलती है जाके। कह देना बड़ा आसान होता है कि ये क्यों किया और वो क्यों किया, उसको लागू करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो पेपर इंडस्ट्री है उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सरकार सबसे बड़ी बात है, इस सरकार की सबसे बड़ी एडवांटेज है जानते हैं क्या है, ये सरकार पब्लिक से डायलॉग करती है। आपने देखा होगा पिछली बार सरकार पे एक आरोप लगा इस बात के लिए, 125 बार नोटबंदी के अंदर बदलाव किए गए, कभी 20,000 निकाल सकते हैं, कभी 10,000 निकाल सकते हैं, कभी 4,500 निकाल सकते हैं, कभी 500 का नोट आएगा, कभी 2,000 का नोट आएगा, ऐसे जीएसटी के अंदर भी बदलाव हुआ थे। मैंने कहा ये सरकार जो है पब्लिक के साथ लगातार संवाद करती है, जैसा जैसा फीडबैक आता है वैसे वैसे सरकार चेंज करती रहती है, सरकार हठी नहीं है। सरकार ऐसी नहीं है कि जो एक बार तय कर दिया वो तय कर दिया। अब आपने देखा होगा जीएसटी के अंदर अब क्वार्टरली रिटर्न की उन्होंने बात कर ली, रिवर्स चार्ज की उन्होंने बात कर ली, ऐसे बहुत सारी चीजों को किया। और अभी हमारे जैसे लोग जो हैं वो लगातार आपसे फीडबैक लेकर सरकार को, प्रधानमंत्री को वो फीडबैक देते हैं, उसके ऊपर वो मीटिंग करते हैं और मीटिंग करके अंदर उसको ठीक करते हैं। तो ऐसी सरकार इससे पहले कभी देखने को नहीं मिली। ये मत समझना कि मेरे मैं कोई बीजेपी से हूं या सरकार में मंत्री हूं इसलिए मैं बात को कह रहा हूं। मैंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, अटल जी के साथ तो मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री था, पर मैं ये कह सकता हूं एक प्राइम मिनिस्टर है जो देश की सोचता है, व्यापार की सोचता है, काम की सोचता है, उसकी इंटेंशंस ठीक है, उसके रास्ते ठीक है, उन रास्तों के अंदर परिणाम कभी दाएं और कभी बाएं आ सकते हैं, उनको सपोर्ट देने की जरूरत है। और आपके इंडस्ट्री के लिए आप ये समझ लीजिए डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर है, मैं यहाँ पर हूँ, कभी भी कोई दिक्कत आएगी, सरकार से संवाद की बात होगी तो हम 100 में से 100% आपके साथ चल के सरकार के साथ संवाद करेंगे। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और हम तो कागजी हैं पर बहुत स्ट्रांग हैं।